आज की मेरी रेसिपी बेसिकली डेडिकेटेड है एगिटेरियंस को, जिन्हें अंडा खाना बहुत पसंद है। और जब भी हमारे दिमाग में अंडा आता है तो हमें बस वही हर बार वाली एग करी, ऑमलेट, स्क्रैम्बल एग या फिर अंडा भुर्जी, यही दिमाग में आती है। पर आज मैं अंडे की बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यमी रेसिपी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। बिल्कुल वो रोड साइड में, स्ट्रीट के साइड में जो बनती है ना ठेले पे, तवे पे बस खटखट करके बनाते हैं, बस वही वाली रेसिपी, अंडा घोटाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त लगती है खाने में और देख रहे हैं ना, देखने में भी कितनी मज़ेदार लग रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना, किचन कैप्टन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा घोटाला। तो आइए देखते हैं अंडा घोटाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अंडा घोटाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 अंडे लिए हैं, साथ ही लिया है मैंने 3 प्याज जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप चाहे तो इसे नाइफ की हेल्प से बिल्कुल बारीक काट लें, और या फिर जैसे मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल चॉप कर लिया है वैसा कर लें। साथ ही ली है 3 हरे मिर्च, और लिया है मैंने यहाँ पे 3 टमाटर। टमाटर का बहुत ज़रूरी है इसमें होना, तो टमाटर भी मैंने बड़े साइज़ की और रेड रेड टमाटो थी वो ली है। साथ ही ली है धनिया की पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, नमक, पाव भाजी मसाला और बटर। बटर भी इसकी बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। बटर के साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है ताकि हमारा बटर जो है वो जले नहीं। बटर इसमें अच्छी क्वांटिटी में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बटर में ही ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। और जब बटर में प्याज भुनती है ना, तो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। अब एक और टिप यहाँ पे, पहला तो हमें बटर डालना है और बटर में ही इसे भुने, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसे रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं, पर बटर में बहुत अमेजिंग बनता है। अब दूसरी चीज़, प्याज को हमें नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। अब यहाँ देखिए, जब जैसे थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हुआ, मैंने यहाँ पे वो 3 हरी मिर्च को काट कर डाल लिया है, और साथ ही यहाँ डाला है मैंने 1 चम्मच अदरक ग्रेट करके। आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अदरक को, और चाहें तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी आप 1 छोटे चम्मच यूज़ कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट सूरत साइड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अंडा घोटाला में, और मुंबई साइड में इसे बिना अदरक लहसुन के भी बनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। आपको जैसा पसंद हो वैसा कर सकते हैं। अब इसे करीब 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च भी अच्छी तरीके से प्याज के साथ भून जाए। अब जब 1 मिनट तक प्याज अच्छी तरीके से भून जाए, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। अब ये देखिए, करीब 1 मिनट हो चुका है और प्याज का कलर भी बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है। अब मैंने यहाँ ऐड कर दिया है टमाटर। मैंने टमाटर को भी चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप इसे भी अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं, बट जब थोड़ी सी महीन कटी हुई होती है ना, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पकने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब टमाटर को भी हमें यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इसे बस हल्का सा भुनना है, और जब इसमें थोड़ी सी कलर आने लगे ना, तो बस इस समय हमें कुकिंग प्रोसेस को रोक देना है। अब जब तक कि प्याज और टमाटर भुन रही है, तब तक हमने जो अंडे लिए थे उसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने इसे मोटे साइड से ग्रेट किया है, जिस तरफ मोटा थोड़ा सा जाला होता है ना, उस तरफ से ग्रेट किया है। आप चाहें तो पतला या मोटा, जैसा आपको मन हो वैसा इसे कर सकते हैं। अब अंडा घोटाला भी 2 तरीके से बनता है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। पहले ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से ग्रेट किया है। आप चाहें तो इससे बारीक भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। अब मैंने कहा आपको कि अंडा घोटाला 2 तरीके से बनता है। एक की रेसिपी तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और दूसरा अंडा घोटाला बनाने के लिए अंडे को जैसे अंडे भुर्जी बनाते हैं ना, वैसे बनाकर फिर इसे मसालों में ऐड किया जाता है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये देखिए, यहाँ पर टमाटर भी भुन चुकी है। अब हमारे पास जो वो पाव भाजी मैसर होती है ना, या फिर आलू जो मैस करने वाला जो होता है, उससे ले गए और उससे एक बार इसे अच्छे तरीके से मैश कर देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम पाव भाजी बनाते वक्त करते हैं। ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा जो टमाटर है ना, जो हल्का हल्का गल गया है, जो थोड़ी सी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, वो टमाटर जो है वो बिल्कुल ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए काम आएगी। अब ये देखिए, बहुत ज़्यादा इसे नहीं मलना है, बस हल्का सा इसे तोड़ लिया है मैंने पाव भाजी मैसर के हेल्प से। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ नमक।
नमक अपने स्वाद के हिसाब से आप ले लें। मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच नमक यूज़ किया है। अब इसमें हम डाल लेंगे देगी मिर्च, जो कि तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है और कलर उसमें बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पाव भाजी मसाला। तो करीब डेढ़ चम्मच के आसपास पाव भाजी मसाला या एक चम्मच के आसपास पाव भाजी मसाला, अंडा जितना लेंगे उसके हिसाब से पाव भाजी मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे आधे मिनट तक भून लेंगे। जैसे ही मसाले थोड़े से भून जाएं, हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ये देखिए करीब एक मिनट के लगभग मैंने मसालों को भुना है। फ्लेम को हम अभी लो ही रखेंगे जब तक हमें मसाला भुनना हो। जब मसाला भुन जाए फिर हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे अभी आधी कटोरी पानी डाली है। पानी थोड़ा सा और यूज़ करेंगे हम, लेकिन उसे थोड़ी देर के बाद। अब पानी को सारे मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें एक अच्छा उबाल आने तक इसे छोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे कि फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में रखेंगे। अगर लो फ्लेम पे रखेंगे तो मसाले ओवर कुक हो जाएंगे और फिर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से उबाल आ गया है इसमें। अब हमने जो अंडे को ग्रेट करके रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। अब सारे मसालों के साथ अंडे को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और साथ ही यहाँ ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है वो हम बराबर कर सकें। ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। बस इसमें थोड़ा पानी डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि अंडे को मसालों के साथ पकने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाए। अब इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। करीबन एक से डेढ़ मिनट तक हमें इसे उबालना है। एक से डेढ़ मिनट में ये अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने जो अंडों को ग्रेट करके इसमें डाला है ना, उससे काफ़ी अच्छी थिकनेस इसमें बन जाएगी। ये देखिए करीब एक मिनट हो चुकी है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये गाढ़ी हो चुकी है। बिल्कुल आखिरी में इसमें थोड़ी सी धनी की पत्ती ऐड करेंगे और बस अब हमारा अंडा घोटाला बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और गैस के फ्लेम से हटा लेंगे। अब ये देखिए मैंने इसे प्लेटिंग करने के लिए निकाल लिया है। मैंने इसे सजाने के लिए एक हाफ बॉयल एग भी तैयार किया है। अब इस तरह से इसे प्लेट में सजा लेंगे और इसके बाद मैं इसमें एक हाफ कुक एग जो होता है ना वो डाल लूँगी। इससे खाने में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ही मैंने थोड़े से ग्रेटेड जो एग थे ना वो बचा लिए थे और उससे भी मैंने इसे सजाया है। काफ़ी मज़ेदार दिखता भी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब बिल्कुल आखिरी में थोड़ी सी कटे हुए धनिए की पत्ती के साथ और थोड़ी सी बटर के साथ सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म। चाहें तो इसे रोटी या पराठों के साथ खाएं और चाहें तो इसे पाव के साथ सर्व करें। मैंने इसे पाव के साथ सर्व किया है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे स्ट्रीट साइड खड़े होकर इसे इंजॉय कर रहे हैं। अंडा घोटाला मुंबई और सूरत के साइड में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये स्ट्रीट साइड में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये खाने में बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि पाव भाजी। तो बस ये अंडों वाली पाव भाजी है जिसे हम इंजॉय करते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है और आप देख सकते हैं बटर से लोडेड ये कितनी मज़ेदार दिख रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इसे एज अ डिनर या फिर एज अ ब्रेकफास्ट भी सर्व कर सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए आप भी अंडा घोटाला रेसिपी इस वीकेंड अपने घर पर बनाकर। मैं मिलती हूँ एक नए रेसिपी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।